नाम है नकुल चतुर्वेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी चुनावी यात्रा। इस चुनावी यात्रा के दौरान हमारी टीम आज उस जगह पर जा रही है जो महाभारत कालीन राजधानी है, आज उस जगह पर जा रही है जो इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है। आप मेरे पीछे देखेंगे बोर्ड लगा हुआ है और आप देखेंगे हस्तनापुर यहाँ से कितनी दूर है, लगभग 20 किलोमीटर दूर है हस्तनापुर। और अभी हमें हस्तनापुर तक पहुँचना है, हस्तनापुर के तमाम तथ्यों को आपके सामने रखना है, वहाँ की जनता से बात करनी है और ये समझने की कोशिश करनी है कि इस बार हस्तनापुर क्या करने जा रहा है। हस्तनापुर वाली सीट इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कहा जाता है कि जो हस्तनापुर से जीतता है उसी की सरकार प्रदेश में बनती है और इसीलिए हम हस्तनापुर की सीट का हिसाब किताब जानने के लिए, जनता का मिजाज जानने के लिए निकल चुके हैं। जब आप धर्मनगरी हस्तनापुर की तरफ चलेंगे तो आपको रास्ते में मवाना कस्बा मिलेगा। मवाना कस्बे से होते हुए आप आगे हस्तनापुर के लिए निकलते चले जाएंगे। इस वक्त हमारी टीम मवाना कस्बे में एंटर कर चुकी है और आप देख रहे हैं कि मवाना कस्बे में चहल पहल है, ठीक ठाक विकास की बात यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पर विकास हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आप देखेंगे तो आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो जोड़ने वाली एक ऐसी कड़ी है जिससे गुजरकर पर्यटकों को हस्तनापुर पहुंचना पड़ता है, क्योंकि हस्तनापुर महाभारत कालीन राजधानी है। इसीलिए अब वहां पर क्या हालात हैं देश में, मोदी जी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में, योगी जी की सरकार बनने के बाद क्या हालात हैं, ये हम तफ्तीश करेंगे। महाभारत कालीन शहर के वो साक्ष्य क्या संभाल कर रखे गए हैं, क्या उसे पर्यटक स्थल बनाने के लिए कोई तैयारी शुरू हुई है या नहीं हुई है, इन तमाम चीज़ों की पड़ताल भी हमारी टीम करेगी। फिलहाल हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और आप देखिए मवाना कस्बे में यहाँ चहल पहल जारी है। कोरोना की वजह से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन फिलहाल आप देखेंगे तो कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से ज़्यादा सख्ती नहीं दिखाई गई है और उसी कालम है कि आप देखेंगे आराम से लोग अपने काम की ओर निकल रहे हैं। कोई अपनी दुकान खोलने के लिए निकल रहा है, कोई कॉलेज जाने के लिए निकल रहा है और कोई अपनी नौकरी पर जाने के लिए निकल रहा है। ये मवाना का चौक है, ये मवाना भारत विकास परिषद का इस पर वो भी लगा हुआ है। गुड़ मंडी, मुन्ना लाल बाज़ार, गोल मार्केट, ये सारे रास्ते यहाँ पर एरोस के ज़रिए बताए और दिखाए गए हैं। खतौलिया चौक और कोटला, ये सारी जगह हैं जहाँ आप जा सकते हैं। फिलहाल हमारी यात्रा उस महाभारत कालीन राजधानी के लिए जारी है और अब हम मवाना से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हस्तनापुर की तरफ चल रहे हैं और अब आपको दिखाएंगे कि हस्तनापुर की जनता आने वाले चुनाव में क्या करने जा रही है। ये तस्वीरें कोतवाली मवाना की हैं जहां पर तमाम लोगों की समस्याओं का समाधान होता होगा, नहीं तो जो भ्रष्टाचार के आरोप, देखिए आप गाड़ियां देखिए कितनी जबरदस्त गाड़ियां यहां पर खड़ी की हुई थी, जो पकड़ी जाती हैं पुलिस द्वारा और उसके बाद इन्हें छोड़े जाने के नाम पर बड़ी वसूली होती है। इन तमाम चीज़ों पर भी सरकारों को ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए, जल्दी न्याय दिलाने के लिए इन पुलिस थानों को बनाया गया है, लेकिन अगर जनता को न्याय नहीं मिलेगा, जनता अगर परेशान होगी थानों में जाकर, तो इन थानों को बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। फिलहाल हम मवाना पार करते हुए बस अब थोड़ी ही देर में ये रास्ता ख़त्म होने जा रहा है मवाना मार्केट का और उसके बाद हमारी ये यात्रा हस्तनापुर के लिए लगातार जारी रहेगी। अभी क्योंकि ये मार्केट है यहाँ पर भीड़ भाड़ शोर शराबा काफ़ी है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी जगह पर पहुँचें, ग्रामीण इलाकों में पहुँचें जहाँ आम तौर पर मीडिया कर्मी नहीं पहुँच पाते हैं। हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ के लोगों की राय जानेंगे और आपको दिखाएंगे। बिजनौर यहाँ से 53 किलोमीटर है, पौड़ी गढ़वाल यहाँ से 217 किलोमीटर है, यानी ये जो रूट है ये रूट आपको उत्तराखंड तक पहुँचाता है और
सिर्फ उत्तराखंड तक नहीं, यूं कहिए ये रूट आपको उस आखिरी गांव तक पहुंचाता है जो चाइना बॉर्डर से मिलता है, हिंदुस्तान के उस कोने तक पहुंचाता है। ये भी हिंदुस्तान में ही संभव है कि आप हस्तिनापुर के लिए जा रहे हैं और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा आपको मिले। तो ये हम जब ये पुल पार कर रहे हैं, ये नहर वाला रास्ता पार कर रहे हैं, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वार से होते हुए हम अब हस्तिनापुर की तरफ बढ़ रहे हैं। हस्तिनापुर जिस हिसाब से विकसित होना चाहिए था उस हिसाब से ना तो विकसित हुआ, ना पर्यटकों के लिए यहाँ पर वो तमाम व्यवस्थाएं की गई जो सनातन धर्म और उसके इतिहास से जुड़ी हुई हों और लोगों को जागरूक भी करें, बताएं भी कि हाँ उनका इतिहास क्या था, कौरव कहाँ थे, पांडव कहाँ थे। आज हस्तिनापुर में अगर मैं गौर करूं और आपको दिखाऊंगा भी कि हस्तिनापुर में आज जैन मंदिरों का एक बड़ा गढ़ बन गया है, जैन मंदिरों की संख्या वहां पर बढ़ती जा रही है और आपको अंदाजा ही नहीं होगा सारे जैन मंदिरों के नाम भी हिंदू मंदिरों के टाइप के नाम से रखे गए हैं। तो ये चीज़ें हैं सवाल करने वाली हैं, ये चीज़ें ये पूछने के लिए मजबूर करती हैं कि जो हमारी सरकारें सनातन की बात करती हैं, जो बार बार धर्म की बात करती हैं, वो सरकारें हस्तिनापुर के लिए क्या कर रही हैं। भगवान राम को तो मंदिर मिल गया लेकिन हजारों सालों से अभिशापित हस्तिनापुर को ठीक कर पाने में क्यों इतनी देर लग रही है। तो आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जो हस्तिनापुर के पास की है और दीवार पर स्लोगन तो जरूर लगाए गए गंगा बचाओ जीवन बचाओ, लेकिन उनकी स्थिति क्या हो गई है ये आप देख सकते हैं। भारत का नक्शा भी नीचे से स्थिति खराब हो चुकी है, भारत के नक्शे की भी आप देखेंगे, ये देखिए भारत के नक्शे से जुड़ी हुई दीवार भी टूट चुकी है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। विकास की बातें भाषणों में जरूर की जा रही हैं लेकिन स्थिति राजकीय बालिका कन्या इंटर कॉलेज जो है उसकी आप देखेंगे, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हस्तिनापुर। और सामने अब चलिए अंदर की तरफ चलते हैं, सबसे पहले तो हम इसी को देखते हैं, ये जो दरवाजा है ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की एंट्री का दरवाजा है, ये टूट सकता है कभी भी और बालिकाएं कभी भी हादसे का शिकार हो सकती हैं, कोई देखने वाला नहीं है। सब अपने आप को बताते हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कोई देखने वाला नहीं है। अब थोड़ा सा अंदर को चलते हैं, देखते हैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, हालांकि इस वक्त इंटर कॉलेज बंद है, कोविड हेल्प डेस्क है, शीतलहर की वजह से सब कुछ बंद किया हुआ है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप देखिए अंदाजा लगाइए ऊपर देखिए घास पेड़ सब कुछ आ गया, दीवारें देखिए काली पड़ी हुई हैं, दीवारों का कालापन देखकर आप अंदाजा लगाइए कि यहां किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। हस्तिनापुर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमने आपको स्थिति दिखाई है कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की स्थिति क्या है। अब चलिए बाहर की तरफ को चलेंगे और देखेंगे कि क्या स्थितियां और बना रखी है यहाँ पर। तो ये देखिए आप इधर हम चलेंगे, ये देखिए दीवार ये सारी टूटी पड़ी है। इससे पहले मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखा चुका हूँ, अहिंसा परमो धर्मः ऊपर लगा हुआ है लेकिन नीचे काई लगी हुई है, इन दीवारों पर काई लगी हुई है जहाँ पर ये बच्ची आती है। उस दौर में जब कोविड काल में पूरे तरीके से चीज़ों का ध्यान रखने की बात की जा रही है, उस दौर में आप देख रहे हैं राजकीय बालिका कन्या इंटर कॉलेज जो आमतौर पर बालिकाओं के लिए स्पेशली सरकार की तरफ से बनाया जाता है, उसकी स्थिति का अंदाज़ा आप लगा चुके हैं। हस्तिनापुर की जनता आपकी बार क्या करने जा रही है, पिछले 5 साल में क्या हुआ है, इन तमाम चीजों की तफ्तीश भी हम करेंगे, यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे युवा मौजूद हैं क्योंकि हस्तिनापुर महाभारतकालीन राजधानी है और महाभारतकालीन राजधानी में आपकी बार लोग क्या करने जा रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ये मैं तय करके नहीं आया था कि आपको दिखाऊंगा, लेकिन जब हम रास्ते में जा रहे थे और हमने इसकी हालत देखी तो ये दिखाने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा। अब युवाओं के साथ थोड़ी देर चर्चा होगी, युवाओं से बात होगी और पूछेंगे कि इस बार ये सब लोग क्या करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहला सवाल आपसे, आप एक काम करिए कुर्सी दे दीजिए, मैं आराम से बैठ कर बात करता हूँ। देखिए
चलिए सबसे पहले बाबूजी से शुरू करते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? जगत सिंह। बाबूजी 5 साल बाद फिर आप वोट करने जा रहे हैं हस्तिनापुर, क्योंकि आप महाभारतकालीन राजधानी में बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, पिछले 5 साल में जो परिवर्तन आपको चाहिए था, क्या वो परिवर्तन हुआ, या फिर आप पिछले 70 साल के परिवर्तन से ही नाराज? भाई देखो कह रहा था इसमें कुछ नहीं हमारे, वैसे तो जहाँ तक सवाल है भाई, बीजेपी का मुख्यमंत्री तो काम ठीक कर रहा है, लेकिन हमारे विधायक ने तो कुछ कहा नहीं 5 साल में। विधायक तो जहाँ था वहीं का वहीं है, हम विधायक को पसंद नहीं कर रहे बिल्कुल भी, विधायक ठीक नहीं हमारे लिए बिल्कुल भी, कोई काम कराया ही नहीं उसने। मतलब यही है कि आपकी बार विधायक का जो खामियाजा है, जो विधायक ने काम नहीं किया, उसका खामियाजा मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री को भुगतागा और कौन भुगतागा भाई, मुख्यमंत्री का ही तो है चेला भैया, तो मुख्यमंत्री का ही तो बनाया भैया, मुख्यमंत्री का भेजा है यहाँ से, जब यही काम हमारा जो वो है प्रतिनिधि वो काम नहीं करेगा तो फिर हम उसे वोट क्यों देंगे? ठीक है, क्या क्या शिकायत है बाबूजी, क्या शिकायत है विधायक से? विधायक से ये थोड़ी शिकायत है, हमारे खद्दर में उसने 5 साल हो लिए रोज मुँह कहे कि मैं बांध बनवाऊंगा, आज तक एक तोड़ा मिट्टी नहीं पड़ी उस पर, अब बाढ़ आई सारा जंगल बर्बाद हो गया, तो यही तो काम जग रहे करने के विधायक और क्या हो जग रहे हैं। अच्छा अगर मैं ऐतिहासिक तौर पर बात करूं तो हस्तिनापुर के लिए अब तक तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, वर्ल्ड क्लास सिटी बन जाना चाहिए था। कुछ भी नहीं करा सरकार ने, ये तो सरकार ने कुछ नहीं करा, सरकार का ध्यान नहीं इधर कुछ भी, हस्तिनापुर में कुछ भी नहीं है करने के लिए, कुछ भी नहीं किया आज तक सरकार ने। तो आप परिवर्तन करने जाएंगे अब की बार, आप जब वोट डालने जाएंगे आप? परिवर्तन तो खुद ही हो जाएगा, अपने आप ही होगा परिवर्तन, जब कुछ उन्होंने कराया ही नहीं। जनता नाराज है, जनता नाराज है बिल्कुल। तो आपने बाबूजी को सुना, प्रैक्टिकली यही बात है कि भाई इस इलाके जहाँ का विधायक अगर मंत्री बना दिया गया है, और वो भी वो वाला मंत्री जो मंत्री किसानों का ध्यान रखेगा, खादर के इलाके की समस्याओं का समाधान करेगा, अगर तब भी समाधान नहीं होता तो जनता क्या करेगी? जनता लठ मारती है, जनता पहले वोट देती है और उसका लठ भी मारती है, ये भी प्रैक्टिकल बात है। युवा मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन कुमार। अमन आप बताइए क्या करने जा रहे हैं 5 साल बाद, क्या कुछ अच्छा हुआ आपके लिए पिछले 5 साल में जो आपके विधायक ने किया, या फिर अब नई उम्मीदों के साथ किसी और को चुनने जा रहे हैं? मेरा नाम अमन कुमार और मैं हस्तिनापुर वासी हूँ। बीजेपी सरकार अच्छी सरकार है, लेकिन क्या है, मतलब बहुत काम किए बीजेपी सरकार ने, लेकिन क्या है यहाँ, मतलब बोल रहे महंगाई मतलब इतनी बढ़ गई है सरकार में, जैसे कि मतलब गैस सिलेंडर में ले लो, मतलब कि बोल रहे थे कि सब्सिडी वापस आएगी, मतलब वो सब्सिडी मिल करेगी, तो वो मतलब सब्सिडी हमें नहीं मिल पा रही है। मतलब हमें सरकार से कोई आपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है, सरकार अच्छी है, लेकिन क्या है महंगाई बहुत है, हम गरीब आदमी हैं, मतलब यहाँ खादर क्षेत्र के रहने वाले हैं, बाढ़ की मतलब बाढ़ आती रहती है, तो मतलब यहाँ महंगाई, मतलब इस महंगाई का हम सामना नहीं कर पा रहे। तो महंगाई की वजह से अब की बार परिवर्तन करेंगे? परिवर्तन तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर जो थोड़ा महंगाई पर ये सरकार थोड़ा अपना काम कर ले तो हम मतलब सरकार अच्छी है, मतलब ऐसा कोई नहीं है, सरकार ठीक, महंगाई से परेशान है, महंगाई से। अच्छा आप बताइए 5 साल विधायक रहे आपके दिनेश खटे, मंत्री भी हैं, क्या संतुष्ट हैं अपने विधायक से बतौर मंत्री, क्या उन्होंने आपके लिए किया कुछ? मेरा नाम अंकित कुमार, हमारे विधायक साहब अच्छे हैं वैसे तो, पर मुख्यमंत्री जी इस सरकार में ऐसा हुआ है कि हम तो बेरोजगार हो गए हैं, बेरोजगार इसलिए इलेक्शन हो रहे हैं, हम घर बैठे हैं, स्कूल बंद हैं, सब चीज़ चल रहे हैं, सब कार्य चल रहे हैं, पर हम घर बैठे हैं। एक साल पूरा हो गया है, एक साल में 2 महीने के लिए स्कूल खोल दिए हैं, 10 महीने घर बैठे बैठे हो गया है, कहाँ से आएगा? दारू के ठेके बराबर चल रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, स्कूल में बंद है, मतलब काम नहीं लग पा रहा है, तो मजबूरी है, क्या करें, सरकार तो बदलनी पड़ेगी। तो देखिए आप समझिए, ये वो चीजें हैं जिनका पेट ना तो धर्म के नाम पर भरा जा सकता है और ना किसी और चाशनी में उसे डुबाया जा सकता है। युवा ने बताया कि भाई वो इतने समय से स्कूल बंद है, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, अब स्कूल बंद है तो जो अगर अध्यापक था वो बेचारा कहाँ जा रहा है, प्राइवेट अध्यापक के सामने तमाम समस्याएं हैं, बच्चों के सामने तमाम समस्याएं हैं। तो ये चीजें हैं जो हस्तिनापुर विधानसभा में इन युवाओं से और बुजुर्गों से हमने बात की है और हमें पता चला है। हाँ जी आप भी हैं मेरे साथ। हाँ जी बाबू जी क्या नाम है? ध्यान सिंह।
पाँच साल में क्या हुआ आपके यहाँ पर, क्योंकि आपके विधायक तो मंत्री भी रहे, क्या हस्तनापुर जो महाभारतकालीन राजधानी है बदलाव हुआ उसमें कुछ? इसके तरफ से ना हो बदलाव, देने की तरफ से कोई कार्य नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। तो नाराज है अपने विधायक? हाँ नाराज, पार्टी नाराज चल रही है, सब नाराज है। हाँ बीजेपी वाले नाराज चल रहे हैं, इसमें कुछ कराने तो सब जो बीजेपी के समर्थक थे सब नाराज चल रहे हैं। नाराज चल रहे तो सभी नहीं होते, कुछ नाराज हैं कुछ नहीं है, कुछ की तो अपनी पार्टी से मतलब हो, कुछ अपना निकल गया इस तरह बोलो। अच्छा अब पाँच साल बाद जब आप लोग वोट डालने जाएंगे तो आप क्या सोच कर जाएंगे? अब की बार आपको करना क्या है, वोट क्यों डालने जाएंगे, विकास कहाँ चाहिए और क्या चाहिए? तो वोट तो ना डालनी डालनी है, अब विकास कोई करे ना करे वो उनकी हर बात है। तो आप समझ रहे, देखिए जनता के सामने ऑप्शन कुछ नहीं है, मतदान का समय आएगा, लोकतंत्र का महापर्व है, जनता वोट डालने जाएगी, एक बार फिर से जनता अपने लिए हो सकता है नया प्रतिनिधि चुने, हो सकता है वही पुराना प्रतिनिधि चुने, लेकिन उसके बाद जनता के लिए क्या होगा ये अपने आप में सोचनीय विषय है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा बनना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके जरिए जनता को जो वादे नेताओं और विधायकों अधिकारी और मंत्रियों द्वारा किए जाते हैं वो वादे पूरे ना हो तो ये नेता सीधे जेल में डाले जाए। जब तक ये नहीं होगा, जब तक जनता के साथ धोखा लगातार जारी रहेगा। हस्तनापुर की ये यात्रा अभी शुरू हुई है, अभी आपको बहुत सारी जगह दिखाएंगे, उनकी बदहाली की सूरत दिखाएंगे, क्या विकास हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे। हस्तनापुर एक पर्यटक स्थल है और पर्यटक स्थल कैसे है इस बोर्ड से भी आप समझिए। ये देखिए कितना बड़ा बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, इस बोर्ड पर लिखा हुआ है द्रौपदेश्वर महादेव, बजरंगबली मंदिर, शिव शक्ति, जयंती माता मंदिर, गंगा मंदिर, द्रौपदी मंदिर, द्रोण कूप, गंगा भीष्म मिलन स्थल, शनि जी सिंगड़ापुर, वेद व्यास आश्रम, इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पर आप समझिए। और इतनी सारी चीजों को लिखाने के लिए देखिए बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए ये पर्यटक स्थल का बोर्ड है, ये हस्तनापुर का बोर्ड है, ये कभी भी गिरकर हादसे का शिकार हो सकता है। और आप देखिए इसकी स्थिति देखिए, ये देखिए ये पूरा तिरछा मिर्चा पड़ा हुआ है और ये पर्यटक स्थल विकसित किया गया है। शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को, उन मंत्रियों को जो विकास की बातें कर रहे हैं, आप देखिए जरा। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर ही को चलेंगे, इसी तरफ चलेंगे जहाँ का ये रास्ता दिखाई दे रहा है, अब हम इधर ही चलेंगे और देखेंगे इन मंदिरों की स्थिति क्या है, इन मंदिरों का रख रखाव किस तरीके से किया गया है और इनके लिए सरकारों ने क्या किया है। तो द्रौपदेश्वर महादेव मंदिर की तरफ को अब हम चल रहे हैं, अंदाजा लगाइए कि वहाँ क्या स्थिति होगी। जब आप किसी पर्यटक स्थल पर जाते हैं तो एक अलग तरीके की अनुभूति आपको होती है, लेकिन जब हम हस्तनापुर आ रहे हैं हमें लग ही नहीं रहा है कि हम किसी पर्यटक स्थल की तरफ आ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी गांव और जंगल के रास्ते की ओर जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ से कितनी दूर पर है द्रौपदेश्वर महादेव मंदिर, लगभग 1.5 किलोमीटर बताया था, 1 किलोमीटर के आसपास तो हम आ गए हैं। बाबूजी मंदिर के लिए है ना रास्ता? हाँ यही से नीचे का ऐसे चले जाना। अच्छा इधर ही है, ठीक है, रास्ता गाड़ी चली जाएगी ना? हाँ आराम से निकल जाओगे गाड़ी। ठीक है जी, धन्यवाद। द्रौपदी घाट भी चले जाओगे? ठीक है जी, धन्यवाद। द्रौपदी घाट भी यहीं से जाना है। देखिए आप, अब आप देखिए जो मंदिरों का बोर्ड लगा हुआ था, अंदाजा लगाइए कितने अच्छे पर्यटक स्थल पर पर्यटकों को आने का मौका मिल रहा है। सोचिए अगर मैं पर्यटक हूँ और मैं क्या नाम है साउथ से आया हूँ, हरियाणा से आया हूँ, या फिर कहीं और से आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ, तो सोचिए मुझे कितना अच्छा महसूस होगा, हस्तनापुर की मैं क्या छवि लेकर अपने साथ जाऊंगा। आप खुद समझिए कि मैं हस्तनापुर की क्या छवि अपने साथ लेकर जाऊंगा जब ऐसी स्थितियों में मैं इस पर्यटक स्थल पर आऊंगा। ये देखिए गाड़ी भी बहुत संभाल कर और बचा कर यहाँ से निकालनी होगी, क्योंकि रास्ता उतना अच्छा नहीं है। बताइए जो लोग ये रास्ते नहीं बनवा सकते उन्हें ना तो विधायक बनना चाहिए और ना ही उन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए। ये दुर्गति अगर आपने कर रखी है तो आप क्या कर रहे हो? हिंदुओं की बात करते हैं, तिलक लगा कर रखते हैं, तिलक लगा कर सब जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं ये लोग। और अब आप देखिए हम जंगल जंगल
सिर्फ जंगल है यहाँ पर, अगर आदमी पैदल आ रहा होगा तो उसे उसके साथ क्या हो सकता है, कम से कम रास्ते को तो इतना कर देते कि आप व्यक्ति अगर जाता तो कम से कम वो कंफर्टेबल होकर जाता और उसे महसूस होता है कि मैं पर्यटक स्थल आ गया हूँ। यहाँ यही नहीं पता चल रहा है कि पर्यटक स्थल कौन सा है और हम आए कहाँ हैं। अब देखिए आप, ये मंदिर है और मंदिर के ऊपर बंदर आनंद लेते हुए, अब हम उस वाले मंदिर पे आ गए हैं। और कचड़ा देखिए, स्वच्छ भारत मिशन हमारे उस पौराणिक स्थल पर बगलें झांक रहा है, जहां पर स्वच्छता बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, मतलब जबरदस्त स्वच्छता होनी चाहिए थी, वहां पर स्वच्छ भारत मिशन बगलें झांकता हुआ नजर आ रहा है। प्राचीन द्रौपदेश्वर महादेव मंदिर इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है और जो नजारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। जहां पर इस वक्त लाखों लोगों की भीड़ होनी चाहिए थी, जिस मंदिर पर इस वक्त हजारों पर्यटक आते, जहां का बोलबाला दूर दूर तक होता, वहां पर इस वक्त सुनसानियत फैली हुई है। एक व्यक्ति इस पूरे मंदिर में मुझे मिला है और द्रौपदेश्वर महादेव मंदिर 7200 साल पुराना है, याद कीजिए, दोबारा गौर फरमाइए, 7200 साल पुराना मंदिर, और 7200 साल पुराने मंदिर में किस तरीके से सुनसानियत फैली है आप अंदाजा लगाइए। यहाँ पीछे खेत हैं और इन खेतों में किसान अपना काम करने पहुंचे होंगे, इधर भी खेत हैं, उधर भी किसान अपना काम करने पहुंचे होंगे, और इधर मैं आपको दिखाऊं, पीछे देखिए मेरे, ये मंदिर है, ये वो मंदिर है जो प्राचीन मंदिर है, जो द्रौपदेश्वर महादेव मंदिर जो 7200 वर्ष पुराना है। इस मंदिर को देखिए आप, अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति बना रखी है, क्या स्थिति बना रखी है। आप देखिए उधर देखिए, ये जूम करके दिखाएंगे मेरे सहयोगी, इसके बारे में डिटेल्स भी लिखी हुई हैं, द्रौपदेश्वर महादेव मंदिर और मनोकामना सिद्ध बजरंग बली मंदिर, सिद्धपीठ श्री शनि महाराज, मतलब इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पर, उसके बाद भी कोई देखने वाला नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं। चलिए अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, जो कुछ मैं आपको इस स्टोरी की शुरुआत में दिखा रहा था वो मैं आपको दिखा रहा था कि हस्तनापुर वैसे तो सनातन का इतिहास है, लेकिन आज वर्तमान में यहाँ पर जैन कब्जा करते जा रहे हैं, जैनियों के मंदिर, जैनियों के स्तूप आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जैनियों के तपोवन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और तो और आप हैरान होंगे, इस चीज पर किसी की नजर नहीं गई होगी, मैंने देखा इस चीज को, और आप देखिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये तो मैं यहां पर 7200 साल पुराने मंदिर के पास ये मूर्ति लगा दी गई, जैन के जो दिगंबर, जैन के जो भगवान हुआ करते हैं उनकी ये मूर्तियां यहां लगा दी। बताइए इस द्रौपदेश्वर महादेव मंदिर की हालत खराब है और यहां पर ये मूर्ति लगाने की कोशिश की गई है ताकि बाद में ये बताया जा सके कि जैन मंदिर और जैनियों से जुड़ा हुआ इतिहास भी यहां पर मौजूद है। यहाँ की जनता अपने विधायक से बहुत ज्यादा नाराज है, जनता का कहना है कि ना तो विधायक रहते उन्होंने कुछ किया, ना मंत्री बनने के बाद कुछ किया, और अब वो करेंगे तो करेंगे क्या, ये हालत देखिए। अब आगे की तरफ चलते हैं, इस मंदिर की स्थिति भी आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि देखिए क्या हो रहा है, यहाँ बंदर अपना आनंद ले रहे हैं, और अब हम इस मंदिर की तरफ, इस मंदिर के प्रांगण की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जय महादेव, हर हर महादेव। महादेव के इस मंदिर में हमारी एंट्री हो चुकी है, देखिए और समझिए, जहां पर अभी तक हजारों लोग होने चाहिए थे, जहां पर दूर दूर से पर्यटक आया करते हैं, वहां पर सुनसान पड़ा है सर। एक बाबूजी यहां पर बैठे हैं जो यहां का रखरखाव देखते हैं, वो यहां पर बैठे हुए हैं, कुछ बंदर जो यहां मंदिर के ऊपर बस्ती कर रहे हैं और कुछ श्वान जो इनका साथ देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हैरानी की बात यह है कि 7200 साल पुराने मंदिर को देखने वाला कोई नहीं है। हिंदुओं की बात हो रही है
मंदिर बनाने की बात हो रही है, 80% और 20% की बात हो रही है, और उसी 80% और 20% में देख लीजिए, 80 वाले अगर इस तस्वीर को देखेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि 80 वालों के साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। बाबूजी, आपसे बात करूंगा। कितने साल से हैं आप यहाँ? मैं यहाँ से 25 में हूँ। अच्छा, अगर इस पूरे स्थान की बात की जाए तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है। 7,200 साल पुराना, मतलब समझिए कितनी पुष्टें निकल गई होंगी। और उसके बाद भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? भाई ध्यान नहीं दे रहा कोई भी चीज मंदिर पे। बनना चाहिए था अभी तक, बनना चाहिए था, कुछ नहीं बनना है। पर्यटक स्थल भी बनना चाहिए। हाँ, सब लोग काम बनने चाहिए। किसी तरह की सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। रात रात समस्याएं होती होंगी आप लोगों को? रात को तो कोई ठिकाने नहीं देता है। अच्छा, हाँ। रात में क्या समस्याएं होती है? बस लुंगाड़े आ जाए, रुकने नहीं देते, ताले लगा के चले जाओ। अच्छा, रात में यहाँ लुंगाड़े बैठते हैं? नहीं बैठते नहीं। आते हैं? आए जो पुजारी रात जो रह गया तो उसे पीट देंगे। अच्छा, पुजारी को पीटने के लिए लोग आ जाते हैं? आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं ये लोग? इधर उधर के लोग आते हैं। तो आप समझिए देखिए कितनी परेशानी है। एक मंदिर जहाँ पर अराजक तत्व भी पहुँच जाते हैं और यहाँ से लोगों को भगा देते हैं। सोचिए, एक 7,200 साल पुराना मंदिर है, और ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा है जो बार बार धर्म की बात कर रहे हैं। मुझे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा है जो बार बार विकास की बात कर रहे हैं। मुझे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा है जो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने अपने वादे पूरे किए हैं। किसी और ने अपने वादे पूरे नहीं किए, हमने अपने वादे पूरे किए हैं। अगर उन लोगों ने अपने वादे पूरे किए हैं तो हस्तनापुर की हालत क्यों है? 7,200 साल पुराने इस मंदिर की स्थिति किसने बनाई? और अगर इसे नहीं सुधार रहे तो कौन से विकास की बात की जा रही है? द्रौपदी मंदिर मार्ग के पास हम आ चुके हैं, और आप देखेंगे रास्ता किस तरीके से हम लोगों को यहां तक पहुंचना पड़ा है। द्रौपदी मंदिर मार्ग और ये रास्ता जा रहा है। पुलिया को पार करते हुए अगर हम चलेंगे द्रौपदी मंदिर की तरफ को, तो देखिए उधर ये पेड़ है और उसी तरफ को द्रौपदी मंदिर बताया जाता है। इन रास्तों से होते हुए हमें द्रौपदी मंदिर की तरफ जाना पड़ रहा है। समझिए कि जो विकास की बात करते हैं, जो लोग जिन सरकारों ने बड़े बड़े पोस्टर लगवाए हैं, फर्क साफ है कि जिन लोगों ने कई बार कहा कि काम बोलता है, उन लोगों को ये तस्वीर देखनी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए कि उन्होंने किया क्या। तो द्रौपदी घाट के रास्ते पर हम पहुंच चुके हैं, और ये देखिए इतना शानदार रास्ता जो विकास के रास्तों को देखकर बनाया गया है। और देखिए विकास का ये रास्ता, आप समझिए द्रौपदी मंदिर तक जाने के लिए आपको इस रास्ते का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हाँ, कुछ परिवर्तन यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस परिवर्तन का क्या फ़ायदा है जब बेसिक परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया गया। यहाँ पर ग्रिल लगा दी गई है इस घाट में। कहा जाता है कि इसी घाट में, इसी सरोवर में द्रौपदी स्नान करने के लिए आया करती थी, और इसीलिए ये एक पौराणिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है। और इस ऐतिहासिक स्थल पर ये चारों तरफ ये तो बना दिया गया है, लेकिन इस सरोवर का जो जल है वो जल ना तो अभी नहाने योग्य है, ना वो पीने योग्य है। हाँ, इसमें कीड़े मकोड़े जो पल रहे होंगे वो शायद इस सरोवर में, इस जल में ज़रूर पल रहे होंगे। और समझिए अगर द्रौपदी आसमान से देख रही होंगी, वो देख रही होंगी कि किस तरीके से धरती पर उस जगह का विनाश हो रहा है जिस जगह पर उन्होंने अपना समय बिताया। देवताओं ने धरती पर इसलिए अवतार लिए, इसलिए जन्म लिया, क्योंकि वो धरती पर जाकर संदेश देना चाहते थे, लोगों को बताना चाहते थे कि कुछ अलग कीजिए। धरती पर आने का मकसद आपका कुछ अलग करना होता है, लेकिन फिलहाल हस्तनापुर की बुरी स्थिति आप देख चुके हैं, और जनता भी इस बारे में हमें खुलकर बता रही है। हालांकि अब ये बन गया है तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन आप सोचिए यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये मंदिर है द्रौपदी मंदिर घाट,
पर्यटन विभाग द्वारा द्रौपदी मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया गया। कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम इकाई मेरठ इकाई। अब कब कराया गया सौंदर्यीकरण, ये देख लीजिए सौंदर्यीकरण किस तरीके से हुआ है। ये पौराणिक स्थल है, ये स्थल यूं ही नहीं हुआ करते थे, इनमें चमत्कार हुआ करता था और उसी चमत्कार की वजह से हमें इन पौराणिक स्थलों को संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन द्रौपदी घाट पर थोड़ा सा विकास जरूर हो गया, इससे पहले की स्थिति आपने देख ली। द्रौपदेश्वर महादेव मंदिर मतलब 7200 वर्ष पुराना मंदिर, अगर वो नहीं बना अभी तक, उसकी इतनी दयनीय स्थिति है तो सोचिए किया क्या जा रहा है। और अब ये देखिए ग्रिल देखिए आप, अभी कंप्लीट नहीं हुई है और ये भी हल्के फुल्के ही लगाई हुई है, देखिए हिली पड़ी है। इस तरीके के कार्य कराए गए हैं कि कभी भी ये ग्रिल निकल जाए और कोई भी इसे निकाल कर ले जाए, जिसके गोल गोल थे ये सब गायब हो चुके हैं। देखिए ये सब गायब हो चुके हैं, इसका तो पूरा ही गायब कर दिया ऊपर का। ये किसने गायब किया, भ्रष्टाचार बनाने वालों ने गायब किया इसे या लगने के बाद इसे गायब किया गया, ये पता नहीं है। लेकिन ये शोचनीय विषय है, चिंता का विषय है कि अगर विकास हो भी रहा था तो लोगों ने उसे विकास नहीं रहने दिया। सरकारें नेताओं की जितनी गलती है उससे ज़्यादा गलती जनता की है। विकास जब होता है तो जनता ठीक है, अच्छी बात है विकास हो रहा है, लेकिन उसका विकास का ध्यान ही नहीं रख पाती है जनता, इसीलिए जनता की जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर आप लोग इस तरीके का कोई कार्य किसी को भी करते हुए देख रहे हैं कहीं पर भी सरकारी संपत्ति के साथ छेड़छाड़, तो इसकी जानकारी तुरंत आप पुलिस को दें, तुरंत बताएं कि यह हो क्या रहा है। फिलहाल विकास की बदहाली और उसकी स्थितियां हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। द्रौपदी घाट आपने देख लिया, द्रौपदेश्वर मंदिर आपने देख लिया, अब इसके बाद अब हम देखते हैं आगे की तरफ चलते हैं और क्या कुछ हस्तनापुर की पौराणिक चीजें हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं। महाभारतकालीन राजधानी हस्तनापुर आज तक अपने विकास का इंतजार कर रहा है। सालों हजारों साल बीत गए लेकिन हस्तनापुर आज भी उसी हालत में है। अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि हस्तनापुर के साथ पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में, पिछले 20 साल में और पिछले 70 साल में क्या हुआ है। इसी को जानने के लिए हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है। हमने लोगों से भी बात की, हमने आपको हस्तनापुर की चीजें भी दिखाई। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं कर्ण मंदिर, वो कर्ण मंदिर जहां पर इंद्र को कर्ण ने कवच और कुंडल सौंप दिए थे, उस कर्ण मंदिर के पास हमारे साथ यहां पर एक गुरुजी बैठे हुए हैं। गुरुजी से भी बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या हस्तनापुर के साथ जो हो रहा है उसे देखकर उन्हें पीड़ा नहीं होती। गुरुजी सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। स्वामी शंकर जी। स्वामी जी सवाल यही है कि महाभारतकालीन राजधानी है, आप जिस जगह पर बैठे हैं ये कर्ण मंदिर है, कर्ण घाट है और यहीं पर कवच कुंडल दान किए गए थे, ऐसी ऐतिहासिक चीजों को कौन दरकिनार कर रहा है और इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? सन 1953 में जो उस समय के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, यहाँ पर जितने भी मंदिर थे सबको उन्होंने उसके आसपास की जमीन उनके मंदिरों के नाम कर दी या उनके पुजारियों के नाम कर दी कि भाई इसका विकास होगा। जो भी कुछ उन्होंने किया अपने तरीके से करा। उसके बाद में सन 70 में ये यूपी में आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा। उसके बाद में जो भी यहाँ नेता हुए हैं वो भूमाफिया लग गए जमीनों पर, जो मंदिरों को जमीन दी थी उस समय कांग्रेस ने या नेता उन्होंने नेहरू जी ने पंडित जी ने जो भी उसके विकास के लिए या मंदिरों के लिए भैया इसमें आस पास में मेले भरेंगे उनको आवश्यकता है मंदिरों को जी जी, वो सब भूमाफियाओं ने कब्जे कर लिया फर्जी कागज लगाना। अब यहाँ पर मैंने करीब लगभग 10-12 साल हो गए जो इसके आसपास की जमीन लोगों ने भूमाफियाओं ने अपने नाम करवा ली फर्जी कागज लगा लगा करके, सीलदारी के फर्जी कागज लगा करके, कि सीलदारी सन 50 में ख़त्म होगी यूपी में और यहाँ सन 83 में कागज फर्जी लगा लगा के मंदिर की जमीन अपने नाम कर ली। अब जो भी विधायक आवे वो भूमाफियों के साथ खड़ा हो जाए और मेरे पीछे पुलिस लगा दे, वो इसी पार्टी का भी हो चाहे सपा का विधायक, बीजेपी का विधायक आया इसने मेरे पीछे पुलिस लगा ली कि मतलब भूमाफियाओं से तेने फायदा है ना। मंदिर कहीं भी जाए खड्डे में जाए, हमारी संस्कृति खड्डे में जाए, चाहे वो पार्टी कोई सी भी हो,
कोई सी भी पार्टी ये नहीं देख रही है कि भाई हमारे जो ऐतिहासिक है, हमारी राष्ट्र धरोहर है, इसका विकास होना चाहिए। जब भू माफियाओं को वहां तक पहुंचती नहीं बात। आप एक बार तो बताइए स्वामी जी, भू माफियाओं पर लगाम लगाने की बात योगी जी बार बार कहते हैं, भाई एक संत बैठा हुआ है इस कुर्सी पर, उसके बाद भी आज एक अगर संत के को भू माफियाओं से लड़ना पड़ रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? अब अकेले वे क्या करेंगे संत जी, वे तो वहीं से बैठ कर ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे के तो ये भ्रष्ट बैठे हैं सारे के सारे। यहाँ पर कमिश्नर साहब थे पहले, उनसे मैंने कहा, उन्होंने जाँच के लिए भाई हाँ ये जमीन जो है मैं हकी बात बता रहा हूँ, आप किस मंदिर की, पर उनको SDM को ऑर्डर करिए भाई जांच करो इसकी, अगर जो मंदिर की जमीन है तुमने इसको 140 क्यों नहीं करो। उनका ट्रांसफर हो गया तो ये देखिए आप आश्चर्य की बात, उन्होंने क्या काम कराया कि भूमाफिया जो थे जिन्होंने फर्जी कागज लगा रखे थे उन्होंने वारिस बना दिया अपनी जाँच में। जो है के पंडित जी थे पुजारी वो ब्राह्मण थे, और जो भूमाफिया हैं वे अलग जाति के, तो वे उस ब्राह्मण के वारिस बना दिए। उनकी मृत्यु 1982 में दिखा दी, क्योंकि 1982 में जमीन उनके नाम हुई है, तो या तो वारिस के नाम चढ़ती है कोई जमीन या बैनामा हो, ना इनके पास वारिस है ना बैनामा, ये तो फर्जी चढ़वार किए, तो SDM ने इनको वारिस बना दिया और उनकी मृत्यु दिखा दी पंडित जी की 1982 में, जो मैंने मेरे पास कागज है 1982 में मृत्यु दिखा दी, मृत्यु हुई 1997 में। तो ऐसी स्थिति है इनकी, अधिकारियों इतने भ्रष्ट बैठे हैं तो बेचारे क्या करेंगे, या कोई भी अधिकारी भी जो अच्छा अधिकारी है वो ही क्या करेंगे। आप एक बात तो बताइए, मैं स्वामी जी एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, भाई योगी जी हो गए और प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हो गए, ये दोनों बड़े बड़े मन से ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया प्रदेश में, या फिर तो ये भ्रमित है या फिर ये जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भ्रमित है नहीं, इनको जो रिपोर्ट दी जाएगी वो तो बता दूँ भाई, जो योगी जी हैं या मोदी जी हैं ये जो इन्हें रिपोर्ट नीचे के लोग देंगे, इनके नेता देंगे जो बैठे हैं, भ्रष्ट नेता भी तो भ्रष्ट है ना भाई, जो टिकट जो अयोग्य आदमी है, अब भ्रष्ट लोग हैं वो जाति के आधार पर और संप्रदाय के आधार पर इस प्रकार से वो टिकट ले लेते हैं, अयोग्य हैं, जनता चाहे उन्हें ना भी चाहो जब भी थोप देते हैं पार्टी उनको ऊपर से, तो मोदी योगी क्या करेंगे। हिंदुओं की बात चल रही है स्वामी जी, इस वक्त योगी जी ने अभी थोड़े दिन पहले भाषण भी दिया था कि ये चुनाव 80-20% के बीच का है। अगर मैं हस्तनापुर की हालत देखूं तो भाई 80% लोग तो BJP को वोट ही नहीं देंगे, अगर हस्तनापुर की हालत उन सब लोगों ने देख ली तो। हस्तनापुर में तो BJP को बहुत कम वोट पड़ेगी अगर ऐसी स्थिति जिस प्रकार से इन्होंने किया है, जनता की भी तो बात सुननी चाहिए। बिल्कुल, जो थोड़ी बड़ी नेता नहीं तो सारे काम करते हैं। बिल्कुल ठीक, जिस आदमी को तुम थोप रहे हो जनता के ऊपर उसकी मजबूरी है, वो क्या करेगा, कोई आदमी अच्छा योगी दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं करता, भी किसको आप यहाँ से विधायक का टिकट दे रहे हो, किसको MP बना रहे हो, क्या कर रहे हो, जब उसको उनको भी तो देखना चाहिए कि जनता की क्या आवाज़ है, जनता की राय लेकर के इन MLA वगैरह को टिकट देना चाहिए, बिना जनता की राय के तो इनको देना नहीं चाहिए टिकट किसी को। बिल्कुल ठीक है। तो आप सुन रहे हैं, स्वामी जी ने बताया कि कितनी दुर्भाग्य की बात है, योगी जी कह रहे हैं भू माफियाओं को हमने रोक लिया है, योगी जी कह रहे हैं जो गैंगस्टर थे, बड़े बड़े गुंडे माफिया थे, उन्हें हमने जेल में अंदर डाल दिया है, लेकिन जो माफिया सरकार में बैठ जाते हैं, जो गुंडे सरकार में मंत्री बन जाते हैं या विधायक बन जाते हैं, उनका क्या किया जाएगा? बिल्कुल ठीक बात कही स्वामी जी ने कि अगर आप अपना कैंडिडेट मैदान में उतार रहे हो, विधायक उसे जनता बनाएगी, तो कम से कम जनता की राय तो ले ली जाए, जनता की राय नहीं ली जाती और उसके बाद होता यह है कि वो विधायक बन जाता है, वो मंत्री बन जाता है और उसके बाद उसकी मनमानी वहीं शुरू होती है, उन्हीं गुंडे माफियाओं का वो सपोर्ट करता है और आम जनता का सपोर्ट नहीं करता है। और कैसे नहीं करता है ये इस बात को साबित सिर्फ स्वामी जी की बात नहीं करती है, इस बात को साबित वो तमाम तस्वीरें करती हैं जो इस स्टोरी के दौरान हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमने आपको सारी बदहाली दिखा दी, हमने आपको दिखा दिया कि कैसे जैनियों का कब्जा इस पूरे इलाके में होता जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। गुरु जी, जैनियों वाला सवाल मैं पूछना चाहूँगा, मैं देख रहा हूँ कहीं जैन आश्रम बन गया है, कहीं जैन दिगंबर जैन मंदिर बन गया है, कहीं कुछ और बन गया है, तो लग नहीं रहा है कि हस्तनापुर पूरे तरीके से जैनों की स्थली बनती जा रही है। जैनियों की वजह से हस्तनापुर है, कुछ चर्चाओं में है, चर्चाओं में है, उनकी वजह से अगर जैनी ना होते कुछ भी नहीं, तो ऐसी नहीं है कि जो मंदिर है दूसरे हैं उनको जैन समाज की वजह से यहाँ हस्तनापुर है, इसकी वजह से यहाँ पर लोग आते हैं,
इनके हैं, हमारे यहाँ तो जो पुराने के उनमें तो दूर से देख के चले जाते हैं, यहाँ कोई है ही नहीं, कबाड़ है, यहाँ से क्या देखना है। जैनियों की बाबा यहाँ पर है कुछ, उन्होंने कर रखा है कि वो किसी प्रकार से भी कर रखा है, उन्होंने किया तो है यहाँ पर कुछ सौंदर्यकरण को भी कुछ भी कर रखा, अच्छा बना रखा है, वो जैन समाज की वजह से हो रहा है। लेकिन कब्जे की बात नहीं है कि भाई यहाँ भाई कब्जा तो कोई नहीं करता, उन्होंने जो भी कुछ करे धार्मिक काम कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, कोई बुरी बात तो कोई नहीं कर रहे। ठीक है, ये बात भी ठीक है कि भाई अगर जैनी ये सब ना करते तो हस्तनापुर आने वालों की जो संख्या है वो 100 में 2 रहती, आज 100 आ रहे हैं, और अगर महाभारत कालीन जगह की स्थिति ठीक हो जाएगी तो मुझे लगता है 1000 और लाख भी आएंगे। फिलहाल देखने की यही जरूरत है कि हस्तनापुर की स्थिति कौन सुधारेगा। हस्तनापुर में ही पड़ता है प्राचीन पांडेश्वर महादेव मंदिर, और उस प्राचीन पांडेश्वर महादेव मंदिर का रास्ता ये जा रहा है। तो जब हम प्राचीन पांडेश्वर महादेव मंदिर जा रहे हैं तो बगल में ये बड़ा गुंबद, जैनियों का गुंबद दिखाई दे रहा है, और सामने आप देखेंगे मेरे तो सामने ये रास्ता है जो हमें पांडेश्वर महादेव मंदिर की तरफ लेकर जा रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कितना विकास यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा कराया गया है, ये भी समझेंगे कि इतने प्राचीन मंदिर के रख रखाव के लिए, उसके विकास के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई सहायता की जा रही है या नहीं। बताया जाता है कि वो गुफा भी है जिस गुफा के जरिए पांडव अज्ञातवास के लिए गए थे, वो लाक्षाग्रह भी है। इसके अलावा अब मुझे लगता है कि हम प्राचीन पांडेश्वर महादेव मंदिर के पास पहुंच गए हैं, धर्मशाला भी है यहाँ पर, और अब आ गया प्राचीन पांडेश्वर महादेव मंदिर, से पहले आया है प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर, है ना। तो जहाँ झाड़ू लग रही है ये शक्तिपीठ है, ये सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, और अब इससे थोड़ा सा आगे की तरफ को चलेंगे तो आगे की तरफ है आपका प्राचीन पांडव शिव मंदिर, पांडवेश्वर मंदिर, और लीजिए आखिरकार हम पांडवेश्वर मंदिर पहुंच गए हैं। हस्तनापुर विधानसभा की इस यात्रा में इस वक्त हम आ पहुंचे हैं प्राचीन पांडेश्वर महादेव मंदिर की तरफ। मेरे पीछे आप देखेंगे ये वही मंदिर है जो पांडव और महाभारत कालीन मंदिर है, पांडेश्वर महादेव मंदिर इसे कहा जाता है, और अब इसके मुख्य द्वार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित इमारत है, लेकिन उसकी स्थिति क्या कर रखी है। वो पुरातत्व विभाग इसके लिए जिम्मेदार है जिसने एक बड़ा बोर्ड यहाँ पर लगाया हुआ है, या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेदार है। इधर मेरे बगल में मैं दिखाऊंगा ये प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर है पांडव टीला हस्तनापुर का। इस शक्तिपीठ को लेकर लिखा भी हुआ है कि ये देवी भगवती महापुराणों में वर्णित 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता सती जी की दाई जंघा का एक अंग गिरा था, समझिए एक तरफ शक्तिपीठ है 51 शक्तिपीठों में से एक, जिसकी स्थिति आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, सीढ़ियां देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, और दूसरी तरफ मेरे इधर मेरे पीछे ये मंदिर है पांडेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर पांडव महादेव की पूजा किया करते थे। आप समझिए कि हो क्या रखा है। अगर मंदिरों की बात की जा रही है तो इस मंदिर की बात क्यों नहीं की जा रही, अगर धर्म की बात की जा रही है तो इस ऐतिहासिक जगह की बात क्यों नहीं की जा रही। प्राचीन पांडेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में इस वक्त हम आ चुके हैं, और यही है वो सामने मंदिर जहां पर पांडव भगवान शिव की पूजा किया करते थे, उनकी आराधना किया करते थे। इसके बगल में ये बड़ा बरगद का पेड़ है, जो भी लगता है प्रतीत होता है कि ये भी हजारों हजार साल पुराना होगा, शायद उसी दौर का होगा जिस दौर में इस मंदिर का निर्माण किया गया होगा। लेकिन आप देखेंगे कि सरकारें जो मंदिर बनाने की बात कर रही हैं, जो राम की बात कर रही हैं, जो धर्म की बात कर रही हैं, उन सरकारों की वादा खिलाफी किस तरीके से इस ऐतिहासिक स्थल को विकास से कोसों दूर रखे हुए हैं। इधर मैं कहूंगा अपने सहयोगी से ये तस्वीरें दिखाएं, जरा दीवारों की तस्वीरें दिखाएं। अगर ऐतिहासिक स्थल संरक्षित इमारत
और संरक्षित मंदिर की स्थिति ये है, तो बताइए इस देश में हो क्या रहा है? आखिर पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर को क्यों संरक्षित किया हुआ है, और अगर उसे संरक्षित किया हुआ है तो उसका रखरखाव करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैं भी देख रहा था, बाहर पुरातत्व विभाग का बोर्ड था और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि इस इमारत को संरक्षित रखा गया है, इसे नुकसान पहुंचाने वालों को सजा काटनी पड़ सकती है, सजा काटनी पड़ सकती है, समझ रहे हैं, सजा काटनी पड़ सकती है। लेकिन ना तो आज तक एक भी विधायक जेल गया इस इमारत को इस हालत में रखने के उसमें, ना आज तक एक भी मुख्यमंत्री जेल गया, ना आज तक एक भी प्रधानमंत्री जेल गया। क्यों नहीं गया ये पुरातत्व विभाग ही बताएगा। और फिलहाल आप स्थितियों को देख रहे हैं, चलिए मेरे सहयोगी चलेंगे उधर, चलिए आपको दिखाएं, आप चलिए तस्वीर आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि अभी प्रांगण में निर्माण कार्य हुए हैं, छोटे मोटे निर्माण कार्य हैं, लेकिन जिस तरीके की स्थिति होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। पर्यटक स्थल है, हस्तनापुर है, दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन दुनिया भर से लोग यहाँ पर आकर जो देखते होंगे वो बताते होंगे कि हिंदुस्तान की सरकारें, यहाँ के नेता, यहाँ के जनप्रतिनिधि कुछ नहीं करने वाले, वो सिर्फ जनता को धोखा देंगे, वोट मांगेंगे और आखिरी में सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हुए दिखाई देंगे। ये वो प्रांगण है महादेव मंदिर का, पांडेश्वर महादेव मंदिर का, जिस प्रांगण में पांडव रहा करते थे, और अब ये कुआ है, ये पांडवों का कुआ है, और ये पांडवों का कुआ आज भी जल दे रहा है, समझिए। ये वो कुआ है जब आज से 5-7 हजार साल पुरानी कहानी है, उस दौर का कुआ आज भी जल दे रहा है और यहां पर जिंदा है, लेकिन लगता है कि सरकारों के इरादे मर गए हैं, जनप्रतिनिधियों के इरादे मर गए हैं। चलिए आगे की तरफ और चलते हैं, महाभारत कालीन प्राचीन गुफा 200 मीटर आगे, एक प्राचीन गुफा जिसका जिक्र हुआ बार बार कि एक गुफा थी जिस गुफा के जरिए पांडव निकले थे और यहां से दूसरे रास्ते पर पहुंच गए थे जब अज्ञातवास उन्हें हुआ था, और वही गुफा यहां से 200 मीटर आगे है, वहां चलेंगे। अब देखिए, अब प्राचीन गुफा है, समझिए आप, वहां लिखा हुआ था प्राचीन गुफा है, और उस प्राचीन गुफा तक जाने के लिए हमारी स्थिति देखिए, इधर कुछ नहीं है, वहां से आ गए, फिर हम प्रॉपर जंगल में आ गए। तो ये सरकारें कर रही हैं, ये सरकारों ने विकास किया है ऐसी जगह को संभालने के लिए, ऐसी इमारत को संभालने के लिए, ऐसी प्राचीन संपत्ति को संभालने के लिए, कि आप अंदाजा लगाइए कि सरकारों कितने अच्छे तरीके से इसे संभाला हुआ है। चलिए आगे की तरफ और चलते हैं, इधर ही वो गुफा मुझे नजर आ रही है और यहाँ गुरुजी भी बैठे हुए धुनी रमाए हुए नजर आ रहे हैं, गुरुजी से भी बात करेंगे, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम सब बात कर रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, और धर्म के लिए तो हम लोग विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं, और अगर धर्म के लिए विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं तो इतने प्राचीन जगह की स्थिति ये क्यों है? आप देखेंगे गुरुजी ने धुनी रमाई हुई है, क्योंकि साधुओं का धुनी के बगैर कोई कार्य नहीं होता, और जब तक धुनी नहीं तो साधु नहीं, ये कहा जाता है। और यहाँ पर स्वामी जी बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी से भी मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा। गुरु जी आ सकता हूँ मैं आपके पास? गुरु जी, 5 साल बाद चुनाव आ रहा है, हम ये पता लगाने आए कि क्या वाकई में महाभारत कालीन जगह राजधानी जिसे पुरातत्व विभाग ने भी संरक्षित करके रखा हुआ है, क्या बदलाव हुआ, कुछ क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले तो लगे जैन मंदिर है, कितना डेवलप है उनका, सरकार भी जो भी कोई नेता आता है वहीं जाता है पहले। ये प्राचीन पांडव मंदिर है, हस्तनापुर का जो प्राचीन है, पांडव समय से यही रह रहा है, इसके हम ही देखभाल करते हैं। यहाँ पे जूना महात्मा है, गुरु महाराज श्री मंदिर खड़े थे, हमें देखभाल करते आ रहे हैं। यहाँ पे ना तो नगर पंचायत की तरफ से ना लैट्रिन बाथरूम की सुविधा, यहाँ पे यात्री आते हैं ना कोई विधायक की तरफ से, यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर आता ही नहीं। आते हैं मैं यहाँ पे माथा टेक के चले जाते हैं, ना काम करते ना कुछ करते हैं। हैरानी नहीं होती गुरुजी ये सोच करके, महाभारतकालीन राजधानी है, महाभारतकालीन जगह है, मतलब ऐसी जगह है जो पूरे विश्व में हमारे नाम को बहुत बड़ा कर सकती है, और हम उसे नहीं संभाल पा रहे हैं। हिंदू सनातन धर्म इसमार पीछे जा रहा है, और धर्म अभी इसमार डेवलप हो रहे हैं, आगे लगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, ऐसे लगे आगे बढ़ रहे हैं, सब सनातन धर्म में से लिखे हुए हैं। यहाँ पे शिवलिंग है ये प्राचीन, जो पांडवों ने पूजा पाठ करके, आप देखते हैं यहाँ पे क्या
क्या व्यवस्था कुछ है? सरकार की तरफ से कुछ नहीं, वहाँ पे डेली नगर पंचायत की तरफ से वहाँ पे झाड़ू मारने आते हैं मंदिरों में, जैन मंदिर के आसपास में रोड पे, यहाँ पे कोई नहीं मारता, यहाँ अपना आप ही साफ सफाई सब चीज काम हम ही करते हैं। तो अब एक बार बताइए गुरुजी, सरकार तो हिंदुओं की बता रहे हैं कि भाई हिंदुओं की सरकार चल रही है इस वक्त, योगी जी भी कह रहे हैं कि 82-20 का फैसला होने वाला है इस चुनाव में, तो क्या ऐसे संत जब सत्ता में बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि मैं एक विशेष धर्म की सेवा कर रहा हूं और मैं लोगों को आगे बढ़ा रहा हूं, तब ये स्थिति आ रही है, तो क्या क्या दिमाग में आता है? ऊपर से इसके लिए कुछ समय पहले पैसा आया था विधायक जी के पास, इनके लिए जितने भी नीचे, तो अभी तक यहाँ पे काम चालू नहीं है, वो कहते काम चालू होएगा यहाँ पे, अभी काम हर बार ऐसी होता है, सरकार आती है इन्होंने कहती काम होएगा चालू, काम चालू नहीं हो पाता है, हर बार धोखा मिलता है। तो आप समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से साधुओं के साथ धोखा किया जा रहा है, धर्म के साथ धोखा किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात आम जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। अब मैं वो गुफा आपको दिखाऊंगा, जो गुफा बहुत पुरानी है, प्राचीन काल की है, और उस गुफा को भी देख लेना जरूरी है, क्योंकि चीजें वो हैं ये जिन्हें आप देखेंगे तो आपको गौरव होगा, जिन्हें हम किताबों में पढ़ा करते हैं, जिन कहानियों को हम किताबों में, जिनका जिक्र हम पांडवों का सुना करते हैं, अगर साक्षात वो सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं तो इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। उस गुफा की तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं, देखिए गुफा देखिए, बहुत पुरानी गुफा है, महाभारत कालीन गुफा है, जिस गुफा के जरिए कहा जाता है कि बागपत की तरफ को जाकर ये रास्ता निकलता है, और ये गुफा देखकर आप अंदाजा लगाइए कि क्या हुआ होगा उस वक्त, क्या हुआ होगा। और आज तो इस गुफा में जाने के लिए आपको रास्ता तक नहीं दिखाई देगा, और उस दौर में सारे पांडव इसी गुफा के रास्ते से दूसरी तरफ निकल गए थे। कहा जाता है कि गुफा अगर दोबारा इसकी खुदाई शुरू की जाए, दोबारा इसे सही से बनाया जाए, तो ये गुफा बहुत लंबा रास्ता निकाल देती है, बहुत दूर तक ये गुफा पहुंचा देती है। लेकिन आप देख लीजिए गुफा कम गड्ढा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इसकी तरफ ना तो ध्यान दिया गया और ना इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो आप समझिए हम हस्तनापुर हम इसीलिए आए थे कि हम यहाँ की बदहाली आपको दिखा पाए, हम हस्तनापुर इसलिए आए थे कि यहाँ से जुड़ी हुई चीजें, उनसे जुड़े हुए सवाल हम पूछ पाए, हम हस्तनापुर इसलिए आए थे कि हम आपको ये बता पाए कि नेता जो हर साल वोट मांगने आते हैं, हर बार वो वोट मांगते हैं, वो जनता के लिए क्या कर रहे हैं, धर्म के लिए क्या कर रहे हैं, संस्कृति के लिए क्या कर रहे हैं, और इसे संरक्षित करने के लिए क्या कर रहे हैं। हस्तनापुर की हमारी ये यात्रा यहीं खत्म होती है, लेकिन इस यात्रा के खत्म होने के साथ कई सवाल हैं जो मेरे मन में हैं, जिन सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है। सवाल यह है कि हस्तनापुर कब विश्व के पटल पर स्वर्णिम शब्दों में लिखा जाएगा, एक स्वर्णिम शहर हस्तनापुर कब बन पाएगा। सवाल यह भी है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि हस्तनापुर को कब प्रायोरिटी पर लेंगे, कब प्राथमिकता पर लेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी है, और इन्हीं सवालों के जवाब के साथ हम हस्तनापुर की अपनी ये यात्रा यहीं खत्म करते हैं, और इसी भरोसे के साथ खत्म कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब हस्तनापुर का विकास होगा तो शायद हमारी ये रिपोर्टिंग याद रखी जाएगी, हमारी इस रिपोर्टिंग को जगह दी जाएगी और बताया जाएगा कि हाँ सवाल उठाया गया था, यहाँ के विकास के लिए किसी ने बार बार सरकारों को लताड़ने की कोशिश की थी। अपने सहयोगी सूर्यांश के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, टीम द भारत टाइम्स।